दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वहां पर आपसे इंटरव्यू के दौरान TDS और TCS के बारे में पूछा जाए, भी TDS और TCS है क्या, कब TDS काटा जाएगा, किस कंडीशन के अंदर TDS कटता है, TDS काटा जाता है या फिर TDS कटता है, TDS अगर काटा है तो उसे हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब करवाना होता है, TDS रिटर्न करने की फाइल करने का तरीका क्या है, TCS को कलेक्ट किया किस कंडीशन में किया जाएगा, क्या हमारी कंपनी का क्राइटेरिया होना चाहिए TDS और TCS के लिए। तो अगर इन सभी सवालों का जवाब अगर आपका यस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपका जवाब नो है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, सारे कन्फ्यूजन आपके इसी वीडियो के माध्यम से दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा TDS और TCS का मतलब क्या होता है, आपको डिडक्टर बनना है या फिर डिडक्टिव बनना है, कब हमें ड्यू डेट डिपॉजिट हमें TDS और TCS को जमा करवाना है तो गवर्नमेंट को, और TDS और TCS की रिटर्न फाइल करने का प्रोसेसिंग क्या होती है। तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप सारी बातें और सारे इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे TDS के बारे में, भी TDS है क्या। तो TDS की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि अगर हमने किसी भी स्रोत के ऊपर अगर कोई टैक्स हमने डिडक्ट किया, यानी कि टैक्स कोई काटा है, तो वो होता है हमारा TDS। अब TDS है क्या, तो TDS को हम एक तरीके से कह सकते हैं ये इनकम टैक्स का पार्ट है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स के रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी भी TDS कटता है या फिर TDS काटा जाता है। अब ये कंडीशन यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये सभी को पता होता है भी TDS एज ए इनकम के रूप में TDS काटा जाता है, लेकिन कटता कब है, काटा कब जाएगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के माइंड में। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो भी जो हम अगर किसी को पेमेंट सच पेमेंट करते हैं एज ए रेंट, एज ए कमीशन, एज ए प्रोफेशनल फीस, एज ए सैलरीज, एज ए कोई भी हम जो हमारे मतलब एज ए जो टैक्स की नेचर ऑफ पेमेंट की कंडीशन के अंदर जो दायरे में आते हैं, कोई इंश्योरेंस ऑफ कमीशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें TDS डिडक्ट करना होता है। लेकिन ये सभी कंडीशन के अंदर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब इसका भी आपकी कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है। अब क्राइटेरिया आपका क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करते हैं। अब अगर आपका TDS, आप सबसे पहले बात करते हैं भी TDS काटा किस कंडीशन में जाएगा, फिर हम चलते हैं TDS कटता कब है। तो काटने के लिए कंडीशन क्या रहती है भी, जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी की लास्ट ईयर, यानी कि जैसा कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 2022-23 का, तो जस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा था हमारा, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22 वाला, यानी कि 21-22 का सेशन। उस 21-22 सेशन के दौरान आपकी कंपनी की CA के द्वारा टैक्स ऑडिट हुई होनी कंपलसरी है। तो यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं भी आपकी कंपनी की लास्ट ईयर की जो टोटल टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रहनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है भी TDS काटने का क्राइटेरिया क्या है। तो TDS हम तभी काट सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और CA के द्वारा हमारी कंपनी की टैक्स ऑडिट हुई है, तो हम TDS काटने के लिए कैपेबल रहेंगे। अब बात आएगी TDS काटेंगे किस तरीके से, हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी का नाम नहीं है, कोई अदर कंपनी है, इस कंपनी के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मान लीजिए हम इसको ये कह सकते हैं भी इस कंपनी से हमने एज ए कोई गोडाउन रेंट पे लिया हुआ है ABC कंपनी का, और उस कंपनी को हमने साल के अंदर 2,50,000 रुपये का हमें इसको किराया पे करना है, पूरे साल की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो, अब बात आएगी भी जो TDS हमें काटना है, तो हम ये कह सकते हैं भी हमारी कंपनी की लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ थी, टैक्स ऑडिट हुई है, तो अब बात आएगी भी जो 2.5 लाख रुपये हमने ABC कंपनी को एज ए रेंट के रूप में हमने
पे किए हैं या पे किए हैं या पे करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आएगी भी जो हमें टीडीएस अब डिडक्ट करना है, क्या इस रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और किया जाएगा तो कितनी अमाउंट के ऊपर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कितने अमाउंट पे किया जाएगा, इसके लिए आपको टीडीएस चार्ट देखना पड़ेगा। टीडीएस चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो नेचर ऑफ पेमेंट। अब नेचर ऑफ पेमेंट हम इसको कह सकते हैं जो हमने जिस सोर्स के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो हम किसी को क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं किराए का, तो हमारी कंपनी के लिए क्या रहेगा, ये एक्सपेंसेस। लेकिन अब बात करें हम एबीसी कंपनी के लिए, ये क्या बन गई, इनकम। तो हम इसको कह सकते हैं हमने सामने वाली पार्टी को इनकम करवा रहे हैं, और उस इनकम के पार्ट में से हम कुछ टैक्स उससे काट के और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो हम उसका टैक्स कितना काटेंगे, अब आपको ये नहीं पता भी रेंट के ऊपर कितना टीडीएस काटा जाएगा, तो इसके लिए कह रहा हूं आपको टीडीएस चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं रेंट। अब देखो रेंट की कंडीशन क्या है, अब यहां पर इसका जो कोड रहता है नेचर ऑफ पेमेंट का, वो क्या रह गया 194I का, यानी कि रेंट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग, और एक आता है रेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। यानी कि हम दो तरीके से देखो कोई सामान किराए पे दे सकते हैं, एक तो आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, और दूसरा मशीनरी का मतलब भी आपने कोई मशीन, आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे उसको दे रखा है, उसको किराए पे आप दे रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर में क्या करना होगा, दोनों की कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे 240,000 रुपये लिमिट है। लेकिन अगर हम किसी को बिल्डिंग अगर रेंट पे दे रहे हैं, तो उसकी जो टीडीएस काटने की जो लिमिट है वो है इंडिविजुअल की तो है 10% की, अगर हम किसी कंपनी को अगर वो पे कर रहे हैं तो वो 10% की है। उसी कंडीशन अगर हम मशीनरी या इक्विपमेंट, अगर हम किसी इक्विपमेंट हमने रेंट पे लिया है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर टीडीएस की अमाउंट कितनी रहेगी, 2% की, और कंपनी की कंडीशन के अंदर भी 2% की। लेकिन अब आगे आप देख सकते हो यहाँ पर 20% लिखा हुआ है। ये 20% किस कंडीशन के अंदर होगा, अगर आपने जैसे कि हमने एबीसी कंपनी को हम रेंट पे कर रहे हैं, और उस कंपनी के पास पेन नंबर वो कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं करवा रही, क्योंकि पेन नंबर कंपलसरी है, अगर वो पेन नंबर मतलब प्रोवाइड हमें करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसका 10% पे करेंगे, डीटीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज 20% यानी कि 20% के हिसाब से डिडक्ट करेंगे। अब हम कंपनी का आपको पता कैसे चलेगा भी ये कंपनी है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल और कंपनी में डिफरेंस क्या रहेगा, तो ये आपको पता चल जाएगा पेन नंबर से। पेन नंबर का मतलब भी जो इंडिविजुअल कंपनी होगी तो उसके पेन नंबर के अंदर आपका जो फोर्थ करेक्टर रहेगा वो रहने वाला है पी, और अगर कंपनी रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर रहेगा सी। तो ये आपको पेन नंबर की जो पेन नंबर होता है उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब हम ये नहीं मान रहे भी ये रियल के अंदर ही कंपनी, अगर आप कंपनी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम चलो ये मान लेते भी ये कंपनी को ही हम पे कर रहे हैं, तो लेकिन कंपनी के अंदर पे करने की कंडीशन क्या है, 2% ही है, लेकिन हमारी इसके 10% है, लेकिन हमारा जो कम से कम 240,000 रुपये तक अगर हम पे करते हैं तो हमें टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम रेंट कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर, 250,000 रुपये। तो अब ऐसा नहीं है भी 240,000 रुपये इसमें से कम हो जाएगा और बाकी जो बचेगा 10,000 रुपये उसके ऊपर टीडीएस काटना है। अब जो टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी हमारी बनती है वो पूरी इस 2,50,000 रुपये के ऊपर ही बनती है। तो अब 2,50,000 रुपये का अगर हम 10% की कैलकुलेशन करें इंटू 10% तो कितना रुपये बनेगा, 25,000 रुपये। तो अब 25,000 रुपये हमने टीडीएस काटना है, तो अब इस 2,50,000 में से अगर हमने 25,000 रुपये अगर हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 2,25,000 रुपये। तो अब कहने का मतलब ये चीज़ आ गया अभी, अब हम कंपनी को जहाँ 2,50,000 रुपये पेमेंट करनी थी ना, अब ये 2,50,000 रुपये की पेमेंट हम पूरी नहीं करेंगे, कंपनी को पेमेंट करेंगे हम 2,25,000 रुपये। तो भाई ये जो बकाया हमने टीडीएस टैक्स के रूप में जो डिडक्ट किया है इसका क्या करेंगे, अब ये जो हमने टीडीएस को जो डिडक्ट किया है 25,000 रुपये, ये अब हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने हैं। अब बात आएगी भी ये डिपॉजिट हमें गवर्नमेंट को कब करवाना होगा, अब ये डिपॉजिट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी मंथ के अंदर हमने ये टीडीएस है जो डिडक्ट किया है, मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ में किया है, तो अप्रैल मंथ में किया है तो नेक्स्ट 7 तारीख तक यानी कि 7 मई तक आपको टैक्स है जो डिपॉजिट करवाना है। अगर आपने ये मई के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको नेक्स्ट मंथ की
सात तारीख को यानी कि 7 जून तक आपको टैक्स ये 25,000 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो ये तोरी है यानी कि जिस मंथ में भी काटेंगे नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को हो जानी चाहिए। अगर हम 7 तारीख तक नहीं डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लेट मतलब जो है उसके बाद में इंटरेस्ट है जो हमारा 80% के हिसाब से विद इंटरेस्ट हमें जमा करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आप 7 तारीख के बजाय 8 तारीख को जमा करते हो तो आपको पूरा 1 महीने का ब्याज सहित इस अमाउंट को 25,000 रुपये को जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप जून की बजाय आप मान लीजिए जुलाई में जमा करवाते हो तो आपको जून मंथ और जुलाई मंथ 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ेगा। 25,000 रुपये तो करना ही करना है और इसके साथ साथ 25,000 रुपये का 2 महीनों का 18% के हिसाब से ब्याज भी आपको साथ में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये था हमारा TDS। अगर हमारा हम किसी का TDS डिडक्ट करते हैं तो यानी कि हम TDS काटते हैं तो ये इस कंडीशन के अंदर हमारी एंट्री रहती है। तो अब इसकी बात आएगी भाई इसकी एंट्री हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भी हमारा एक्सपेंसेस किस नाम से चल रहे हैं, रेंट के नाम से। तो हम रेंट को क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है भी सबसे पहले हम करेंगे 2,50,000 रुपये रेंट अकाउंट को तो हम करने वाले हैं डेबिट। ये हमारा डेबिट कॉलम है और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। हम इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको मैं एंट्री करनी बताऊंगा भी सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया भी आपका जो ये गोडाउन रेंट है तो इसकी एंट्री हम करेंगे गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट। और उसके बाद में क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, ABC कंपनी को। तो ABC कंपनी के हम क्या करेंगे 2,50,000 रुपये हम इसको करेंगे क्रेडिट। अब उसके बाद सेकंड एंट्री हम क्या करने वाले हैं, ABC कंपनी को तो हम करने वाले हैं डेबिट। यहाँ पे ये कौन सी एंट्री कर रहे हैं, जो हमने TDS डिडक्ट किया है। तो कंपनी को हम करेंगे 25,000 रुपये से डेबिट। और अब हम क्रेडिट किसको करने वाले हैं, TDS को भी TDS ऑन रेंट। तो 25,000 रुपये हम TDS के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि अब हमारा जो ABC कंपनी का जो अकाउंट बनेगा, हमने 2,50,000 रुपये क्रेडिट किए हैं और 25,000 रुपये खाते में वापस डेबिट कर दिए। तो ABC कंपनी का बैलेंस रह जाएगा 25,000 रुपये और ये 25,000 रुपये हमारी अब हमारी कंपनी की लायबिलिटी बन गई कि हमने जो TDS डिडक्ट किया है इसको गवर्नमेंट को जमा करवाना है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले पहले। तो ये बात क्लियर होगी भी हम TDS किस कंडीशन में काटते हैं और काटेंगे तो किस प्रकार से काटेंगे। तो अगर आपका कटेगा तो सेम वही प्रोसेस आपका जो हमने प्रोसेस किया वो सामने वाली कंपनी पे लागू हो जाएगा। अगर उस जिस कंपनी को मान लीजिए हमारा कोई गोडाउन है और हमने किसी उस गोडाउन को रेंट पे दिए और उसका रेंट हमारा है 2,30,000 रुपये, तो अब इस कंडीशन के अंदर TDS नहीं कटेगा हमारा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है TDS डिडक्ट करने की वो 2,40,000 से अगर ऊपर क्रॉस करती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा TDS है जो डिडक्ट होगा पूरी अमाउंट के ऊपर। अगर ये हमारा 2,39,000 है 2,40,000 है तक तो भी हमारा TDS है जो डिडक्ट होगा नहीं। अगर हमारा रेंट हम किसी को हमको कोई रेंट मिल रहा है 3,00,000 रुपये का, तो 3,00,000 रुपये की कंडीशन के अंदर मान लीजिए अगर हम किसी से रेंट के रूप में लेते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा भी जो सामने वाली कंपनी है जो TDS हमारा डिडक्ट करेगी तो सेम ये कंडीशन उसके ऊपर भी लागू होने वाली है भी उसके लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट हुई कंपलसरी है और उसकी तो टर्नओवर है वो 1 करोड़ होनी कंपलसरी है। तो ये तो था हमारा TDS यानी कि एज ए इनकम के रूप में हमारा ये जो टैक्स है काटा जाता है। और एक आ गया हमारा इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स हमारा हम कब फाइल करते हैं, जितना हमारा नेट इनकम टैक्स बन जाता है उसके बाद जो हमारी डिफरेंस की अमाउंट रहती है वो हमारा इनकम टैक्स हम डिपॉजिट कराते हैं। अब जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल उसी को वापस हम एक बार चलते हैं, हमने मान लीजिए 2,50,000 रुपये हमें किसी कंपनी से हमारी को इनकम आ रही है, ठीक है, तो 25,000 रुपये TDS हमारा कट जाएगा और 2,25,000 रुपये हमें मिलेंगे। तो अब बात आएगी भी ये 25,000 रुपये हमें गवर्नमेंट से वापस लेने, क्योंकि ये पैसा जिस कंपनी ने काटा है उस कंपनी ने हमारे अकाउंट से यानी कि हमारी कंपनी का पैन नंबर लेके और उस पैन नंबर के लेके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। तो अब इस 25,000 को रिफंड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर हमारी टोटल इनकम है जो सोर्स है जो दिखाए जाते हैं
भी आपकी बिजनेस की ग्रोस इनकम कितनी है, अदर सोर्स इनकम कितनी है, आपको रेंट कितना मिला हुआ है, इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, यानी कि जितने भी आपकी कंपनी के जो इनकम के सोर्स हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। टोटल आपके एक्सपेंसेस वहाँ पर दिखाई जाएंगे और उसके बाद के अंदर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है और उसी नेट प्रॉफिट के आधार पर आपका इनकम टैक्स है जो कैलकुलेट होता है। और जो इनकम टैक्स के कैलकुलेट के आधार पर मान लीजिए आपका जो टैक्स बन गया 35,000 रुपये, ये आपको 35,000 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने हैं, लेकिन इस 35,000 में से हमने 25,000 रुपये ऑलरेडी हमारा TDS वहाँ पर कटा हुआ है, यानी कि ये एक तरीके से ये एडवांस टैक्स हमने 25,000 रुपये का गवर्नमेंट को पहले ही जमा करा दिया, तो 35,000 रुपये हमारा बन रहा था, लेकिन 35,000 में से 25,000 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हमारा जमा है, तो जो डिफरेंस बच गया 10,000 रुपये, ये अब हमें और डिपॉजिट करवाना है। तो 25 और 10 35, ये आपका हिसाब है यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा TDS का मैटर। तो अब TDS के चार्ट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो भी TDS को कौन से सेक्शन के अंदर कितनी उसकी लिमिट है और उसका TDS डिडक्ट करने की परसेंटेज क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है TCS की। तो जैसा कि TDS को तो हमने किसी की इनकम के स्रोत के ऊपर हमने TDS है जो डिडक्ट करते हैं, कमीशन, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे, है ना, इसी तरीके से। तो अब जो TCS है ना, अब TCS डिडक्ट नहीं किया जाता, TCS को कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो यानी कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है भी, इसके लिए कंडीशन ये होती है भी आपकी कंपनी की टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, तब आपके ऊपर TCS के प्रोविजन लागू होते हैं। TDS की कंडीशन के अंदर क्या था, 1 करोड़ था, और TCS की कंडीशन में 10 करोड़ है। तो अब TDS, अब आप देख सकते हो आजकल परचेज पे भी कटता है। अब परचेज का मतलब किस कंडीशन के अंदर करता है, जो हमारा सेक्शन 194Q का TDS का सेक्शन है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है और आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ मतलब लेन देन आप करते हो जहाँ पर आपकी 50 लाख रुपये से की ज़्यादा की टर्नओवर आपने गुड से जो परचेज कर लिया है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कोई कंपनी है, ABC कंपनी मान लेते हैं, ABC कंपनी से आपने 90 लाख रुपए का कोई सामान आपने परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर कंडीशन क्या होती है भी, आपको पहले 50 लाख रुपए छोड़ देने हैं, तो अगर हम इसमें से 50 लाख रुपए माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 40 लाख रुपए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 40 लाख रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 4,000 रुपये का। तो ये किस कंडीशन में कट रहा है, हमारा परचेज की कंडीशन के अंदर। और ये जो चार्ट के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आगे हमारे इनकम के सोर्स के ऊपर। तो दो अलग अलग टाइप से हमारे TDS है जो डिडक्ट होते भी हैं और TDS हमें डिडक्ट करने भी पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो TCS के प्रोविजन है वो भी हमारे 10 करोड़ से ऊपर की कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, और ये 94Q वाला भी अगर आपकी टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आपके जो अदर सोर्स के हैं उसी के ऊपर TDS आप डिडक्ट करते रहोगे। तो TCS हमारा 10 करोड़ से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, लेकिन TCS के अंदर हमारे ये TDS वाले ये प्रोविज़न, ये जो सोर्स हैं ये शामिल नहीं होते, यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिमिटेशन ही बनी होती है, जैसा कि हमारा वाइन्स के ऊपर है। और ये जो TCS है ये केवल आपका इनवॉइस के ऊपर ही लग के आएगा, जैसा कि TDS हम अलग से डिडक्ट किया, लेकिन TCS को अलग से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो इनवॉइस आपके आएगा, या आप किसी को इनवॉइस इशू करोगे तो उसी सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर ही आप उसका TCS है जो कलेक्ट कर लोगे, आपको कोई अलग से एंट्रियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि इस TDS और TCS का मतलब आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे आपकी वीडियो का रिप्लाई देने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी सीखेंगे भी अगर हमने किसी कंपनी का TDS डिडक्ट किया है तो उसकी एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। अगर हमारा TDS डिडक्ट हुआ है, यानी कि हमारा टैक्स कटा है, तो उसकी एंट्री हम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लीजिएगा।